और हायरे हाय डेमोक्रेसी, सांप के मुंह में छछंदर जैसी उगली जाए ना निकली जाए, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी माता तेरी सदा ही जय हो, स्वाहा। हम ये टेप कर रहे हैं ये शो, आप पे भी कैमरे हैं, सब साथ में जेल जाएंगे, ठीक है? बल्कि कल फोन आ गया अमित शाह का कि क्यों फालतू में टेप कर रहे हो, हमारे पास है। हमने कहा कि नहीं, वो हम अपने कैमरा एंगल लगाना चाहते हैं, इसलिए। समय ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, मैं आपको बताता हूँ, लाइक दिस होल वर्ल्ड इज राइट नाउ गोइंग क्रेजी। मैं आपको सिर्फ एक न्यूज़ की लिस्ट बताता हूँ जो पिछले दिनों हुई है, छोटी सी लिस्ट है, और मैं जनरली आई डोंट वांट टू, लाइक मैं पढ़ के बोलूँगा, मैं ये नहीं चाहता कि जो मुँह में आए मैं वो बक दूँ, क्योंकि अभी मैं प्रधानमंत्री नहीं हुआ हूँ। कोई है यूपी वाले यहाँ पे? हाथ नहीं उठाने होते, एक टिप, सिंपल टिप है, लाइफ में बहुत प्रगति करोगे अगर हाथ नहीं उठाओगे कहीं। यूपी वाले सिर्फ बिहार में हाथ उठाएं, वहां वो सोच सकता है फ्यूचर से आया है। कोई बिहारी है यहाँ बाय चांस? हाँ, ये देख, ये बिहारी इतने भोले होते, फिर हाथ उठा दिया इन्होंने। ये बिहारियों की कैरेक्टरिस्टिक, हर शो में हुआ है ये, मैंने पूछा है इसके बाद और कोई ना कोई बिहारी होता है, नहीं जी हम तो फिर भी उठा। तो खैर, तो यूपी में अभी एक फ्लाइट आ रही थी इंडिगो की, वो लखनऊ से बॉम्बे आ रही थी फ्लाइट, और फ्लाइट में बहुत सारे मच्छर थे, मच्छर भी भागना चाह रहे हैं यूपी से समय। वो किसी ने कंप्लेंट कर दी फ्लाइट में, किसी बंदे ने, वो बॉम्बे आ रहा था, कोई डॉक्टर कोई है बॉम्बे का, उसने बोल दिया बहुत मच्छर हैं, उसने शोर मचा दिया, लोग उस पर चढ़ गए, ये असल में हुआ, लोग उस पर चढ़ गए, लोगों ने उसको घेर लिया और बोला कि अगर मच्छर पसंद नहीं है तो गो टू पाकिस्तान। ये कौन सा लॉजिक, पाकिस्तान में मच्छर नहीं है क्या? मतलब अगर फैक्चुअली करेक्ट बोलना है तो कम से कम यही बोल कि गो टू आइसलैंड, है ना? तो ये अजीब सा दौर चल रहा है। अच्छा, यूपी बिहार पे आता हूँ मैं, यहाँ पे जो बिहार आपके लिए आपने हाथ उठाया, बिहार में चूहे शराब पी गए, वहाँ नशाबंदी चल रही है, प्रोहिबिशन में पुलिस ने जब्त की बहुत सारी शराब, वो सारी शराब एक जगह रखी हुई थी स्टोर हाउस में, वहाँ पे गायब हो गई, बाद में पुलिस ने कहा कि ये तो चूहे पी गए। उनसे पूछा गया कि ये भाई कोई ऐसा लॉजिक तो दो जो मान सके हम, कोई ऐसी कोई ढंग की बात बोलो, कम से कम यही बोल दो कि नेहरू जी पी गए। तो वो लॉजिकल है, नहीं वो थे ना, वो ऐसे थे, वो शराबी कबाबी अयाश थे। फिर अच्छा, यूपी वाले जो हैं, यूपी में कुछ लोग होंगे जो ये बात जानते होंगे, फिर भी जो नए लोग हैं जो पहली बार ये शो देखने हैं उनको मैं बता दूं, यूपी की एक खास बात है, वहाँ पे आप जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस होती है ना उसमें आप चढ़ो तो उसमें एक बंदा जूसर बेचने आता है, वो छोटा सा प्लास्टिक का 10 रुपये का जूसर होता है, कई बार स्टील का होता है 15 रुपये का वो, और वो उसमें वो एक संतरे से वो 5 कप जूस निकाल के दिखाता है, सब हम बड़े इंप्रेस हो जाते थे, घर ले आते थे वो जूसर, घर आके निकालो तो आधा कप जूस निकले। वो जूसर पूरे देश ने 2014 में खरीद लिया, दिल्ली वालों ने 2-2 खरीद लिए, और अब हम 2019 में फिर खरीदने वाले हैं, क्योंकि हम भी यही करते थे, बस से ले आए, एक बार लगा कि धोखा हुआ हमारे साथ, लेकिन फिर अगली बार वो दिखा, फिर हम खरीद लाए, फिर वही साला आधा कप, फिर अगली बार दिखा, फिर ले आए, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हम मानते हैं कि जूसर की कोई गलती नहीं है, हमारे अंदर ही कोई कमी होगी कि साला जूस नहीं निकल रहा। अभी एक बड़ी बेहतरीन एक पीस ऑफ वर्क आया था, पीस ऑफ आर्ट, पद्मावत नाम से, मैंने ई की मात्रा नहीं लगाई, कोई राजपूत बुरा ना मान जाए, मात्रा से प्रॉब्लम हो जाती है उनको, तो वो फिल्म आई थी और उसमें मतलब कुछ सपोजिटली राजपूत प्राइड हर्ट हो गई थी, इस चक्कर में गुस्से में गुड़गांव में अगेन राजपूतों ने स्कूल के बच्चों की बस पे पत्थर दे मारे थे,
उनकी प्राइड इतनी हर्ट होगी, बहादुरी दिखाने का इतना वो शौक चढ़ा उनको को, उन्होंने उस पर पत्थर दे मारे। आज से 400 साल बाद जब इस इंसिडेंट की हिस्ट्री लिखी जाएगी ना, तो उसमें लिखा जाएगा राजपूत बहुत बहादुरी से लड़े थे उसमें। और उनकी औरतों ने जौहर किया था वहाँ पे। मगर मज़े की बात यह, पद्मावत के चक्कर में 150-200 राजपूत औरतों ने जूसर साहब को एक एप्लीकेशन दिया कि हम मरना चाहते हैं, अगर ये पिक्चर ले लीजिए तो हम मरेंगे, मास में मरेंगे हम सारे के सारे। मगर पागल है, उनको पता नहीं जूसर साहब मास में मरने की इजाज़त सिर्फ गुजरात में देते हैं। मतलब आजकल कहना आप किसी से रैशनल आर्ग्यूमेंट करने लग जाओ, बहस करने लग जाओ, वो जब आर्ग्यूमेंट कर नहीं पाता फिर बोलता है यार तुमने बहुत पढ़ रखा है यार, तुम्हारी बुकिश नॉलेज है। तो मैंने कहा यार ये तो किताबों से नॉलेज नहीं आएगी तो कहाँ से आएगी, तो व्हाट्सएप नहीं पढ़ते तुम, कमाल ही है। मतलब मैं एक हमारे कंट्री में एक बंदा है कन्हैया कुमार करके, नाम ही कन्हैया है वैसे, सब उसे कंस ही समझते हैं। महफिल में वो आ जाए तो सब सोचते हैं आज मेरे को गाली देने का मौका मिल गया, कोई भी बात हो उसको गाली बकने लग जाते हैं। एक कॉन्क्लेव में उसके साथ बैठा हुआ हूँ, उससे एक IIT का लड़का खड़ा होकर कोट वोट पहन के चिल्ला के लड़ रहा, तुम कब तक पढ़ते रहोगे, कब तक पढ़ते रहोगे तुम। मैं पढ़ना बुरी बात है, IIT का लड़का 21 साल की उम्र में टैक्स भरने लगता है। मैंने कहा वो भाई पूरा इंडिया IIT करने लग गया, 21 साल में टैक्स भरने लगे, कितनी हाफ गर्लफ्रेंड बननी पड़ेंगी हमको। तो ये पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना है नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप पे पढ़ाई चल रही है। तो मैं यूपी में बता रहा था, जैसे आपको यूपी में गया इलेक्शन के टाइम पे, तो एक गरीब किसान आदमी रो रहा था कि नौकरी नहीं है, खेती नहीं, कुछ नहीं है, फलाना है, ये वो है, बात करते करते था, लेकिन भाई साहब एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। मैंने कहा क्या, कि जो जूसर साहब है ना ये इंडिया को 9वें नंबर पे ले गए। मैंने किस चीज़ में भाई, कहते तो वो पता नहीं व्हाट्सएप पे आया था। मैंने कहा तेरे को पता है जिसमें 9वें पे लगे गए उसमें पहले 4थे पे थे। नहीं ये तो नहीं पता, आपको कैसे पता, मैं मेरे पास भी व्हाट्सएप है। वो एक आप फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है ना सबटॉमिक पार्टिकल का, पार्टिकल फिजिक्स में, कि आप सब एटॉमिक पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो तो इतना छोटा होता है कि लाइट का फोटोन उसको हिट करता है तो पार्टिकल इधर उधर हो जाता है, तो आपको दिखता नहीं है, बट यू नो द पार्टिकल इज देयर। तो ये अच्छे दिन वही है। ये है कहीं पे, ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे आप इसको, ये अच्छे दिन। जाने वो कैसे लोग थे जिनको अच्छे दिन है मिले, जाने वो कैसे लोग थे जिनको अच्छे दिन है मिले। हमने तो जब 15 लाख मांगी नोटबंदी आन पीले, जाने वो कैसे लोग थे जिनको अच्छे दिन है मिले। अरे इसको ही विकास कहते हैं तो मेरे पापा ब्रूस ली हैं। इसको ही विकास कहते हैं तो मेरे पापा भी ब्रूस ली हैं। पेट्रोल डीजल के दामों ने जेबें चूस ली हैं। दिल ने टैक्स ब्रेक चाहा तो GST पड़ा गले। हमने तो जब 15 लाख मांगे नोट बंदी आन पीले, जाने वो कैसे लोग थे जिनको अच्छे दिन है मिले। पिछड़ गया पिछड़ गया पिछड़ गया हर कॉलेज फ्रेंड व्हाट्सएप पे
भक्त बन के बिछड़ गया हर कॉलेज फ्रेंड व्हाट्स ऐप पे भक्त बन के किसको फुर्सत है कि फैक्ट चेक करके फॉरवर्ड दे स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी तो बन ना सका हर बंदा डंब मिला सबने विमेन सेफ्टी मांगी कठुआ उन्नाव मिला जाने वो कैसे लोग थे जिनको अच्छे दिन है मिली